आज का रेसिपी है मसाला फिश फ्राई। ये बहुत ही यूनिक है और टेस्टी भी है। तो स्टार्ट करने से पहले बैचलर कुक बुक में आप लोगों का स्वागत है, फिर देर के स्वागत। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे मछली लिया हूँ 400 ग्राम। ये बाटा मछली है, इसको मैंने साफ करके इसको बीच में हल्का हल्का कॉट लगा दे रहा हूँ ताकि इसमें मसाला अंदर तक घुसे और क्रिस्पी सा फ्राई हो जाए अच्छा से और खाने में टेस्ट लगे। तो उसके बाद मैंने ये सारे मछली को कट लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा रेड चिल्ली, धनिया और काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच बेसन को फ्राई किया हुआ दिया हूँ और ये 1/2 चम्मच जैसा नमक, आप स्वाद हिसाब से दे सकते हैं नमक। उसके बाद सारे को इसको मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद मछली के ऊपर सारे लगाना है जो कट लगाया था मैंने, अंदर तक भर भर के उसको मसाला को लगाना है। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे फ्राई तवा लिया हूँ। उसके बाद मैंने इसमें सरसों का तेल 2-3 चम्मच बड़ी चम्मच, उसके बाद ये मछली को मैंने फ्राई कर रहा हूँ। ये धनिया नहीं, मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई कीजिए। ये बहुत ही क्रिस्पी, तक धीरे धीरे पकेगा तो बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होगा और खाने में भी उतना टेस्टी। यह हमारा मसालादार फिश फ्राई रेडी है। और खाओ पियो, मज़े करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नए है तो चैनल में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोग को। बाय बाय।